खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां तेंदुआ पिछले 3 दिनों में 2 किसानों को अपना निशाना बना चुका है। वहीं पर ग्रामीणों को अकोला शहर से 5 किलोमीटर दूर कानड़ी गांव के आसपास खेतों में तेंदुए का मूवमेंट दिखाई दिया, जिसकी सूचना किसानों ने तुरंत वन विभाग को दी। वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी तेंदुओं को ढूंढने के लिए गांव के खेतों में पहुंचे, लेकिन तब तक तेंदुआ लोगों की नजरों से ओझल हो चुका था। तेंदुए के बार बार दिखाई देने से किसानों में दहशत का माहौल है। वन विभाग के अधिकारी राज ओवे ने किसानों को अकेले खेत में न जाने की सलाह दी है और साथ में लकड़ी इत्यादि पास में रखने और उसमें घुंघरू बांधने की सलाह भी दी है। खत दे रहे थे पराडी को और 12:30 की घटना हो। हाँ। और वहाँ पर धुरे पर पाइप है बड़ा वाला, उसके अंदर वो गया। हाँ। उसके अंदर गया, पूरे हम वहाँ से निकले। क्या था वो? हाँ, क्या तेंदुआ? जो बीवर वन्य प्राणी है उसके अटैक होने के लगातार हमें माहिती मिल रही है। वो बीवर एक जगह ना होते हुए घूम रहा है, उसको जहाँ पे मतलब छुपने की जगह मिलती है वहीं पे वो रुकता है। तो जहाँ पे ये बीवर प्राणी है वहाँ पे मैं नागरिकों से, किसानों से आह्वान करना चाहूँगा कि अगर आपको ये दिखता है या फिर वो किसी जगह होने के चांसेस आपको लगते हैं तो वन विभाग को तुरंत इतला कर दे और उसके पास में